कभी कोई मौका है तो इनकी बातें हैं तो उसके खातिर ताकीद हो जाए, कोई हरज की बात नहीं। मेरे अभी जो दोस्त इस आयत को फरमाया है, तर्जमा यही है उन लोगों के लिए जो अरबी नहीं जानते, तुम्हें जमात होनी चाहिए जो है दावत, तो खाने पीने की दावत होती है, तो खैर क्या है, अच्छी बातों को कहना और बुराइयों से रोकना, ये भी खैर है, शर से रोकना ये भी खैर में शामिल है। हाँ, अभी तो बाद में आता है कि भाई देखो मजलूम की तुम मदद करो, मदद करो अपने भाई की, अगर कि वो जालिम तो बोलने जरूर मजलूम की मदद होती है, जालिम की मदद ना, जालिम को जुल्म से रोक देना यही उसकी मदद है, तो जालिम को जुल्म से रोकना खैर है कि नहीं है, बोलो तो ऐसे ही खैर अच्छी बात है। तो आयत के पहले हिस्से पर तो खूब अमल अच्छी बात है, तो कह रहे यही मदारिस भी उसी के मजबूत है, छोटे मदरसे से बड़े हो, नए नए मदरसे कायम हो, और माशाल्लाह मसाजिद भी उसी के मजबूत है, मस्जिदें बन रही है, बड़ो रही, दोस्ती हो रही, अच्छी बातों पर मेहनत हो रही है हमारे अकाबिर की तरफ से, यह इस्लाही निजाम कायम किया, सारी दुनिया में बात पहुंच रही है। मेरे अजीजों दोस्तों ये सारी बातें हो रही, और बुराइयों से रोक रोक थी तुम्हारा, बड़े बड़े शहरों में मिले लिया आपको, बड़े शहर है कराची लाहौर ये बड़े, लेकिन आम कस्बात और अजला के अंदर मदरसे और मकातिब मिलेंगे, लेकिन बुराइयों से रोक रोक के लिए पूछा जाएगा फला मौलाना साहब तकलीफ कर देते हैं, फला मौलाना साहब वहां भी जमात करना जरूरी, उलमा ने लिखा फर्द किफाया, देखो तस्वीर बयान कुरान और अशरफुल हिदायात में इस्लाही मुनकरात में अहकाम तबीर जमा किए गए कुतुब से उनके अहकाम में, तो जिस तरीके से अच्छी बातों पर मेहनत फर्द किफाया है, मसाजिद को कायम करना, मदारिस को कायम करना, अच्छी बातों पर मेहनत करना, ऐसी बुराइयों से रोकना भी फर्द किफाया है। अगर हम इस काम में मशगूल नहीं होते, फर्द किफाया की तारीफ हर हल्के में कहा, इस तरह के मस्जिदें हैं मदरसे ऐसे भाई इस लोगों को भी कुछ लोग ये काम करें, क्या क्या बुराइयां हैं, कौन कौन सी हैं, उलमा है जब है पूछेंगे तो इस्लाह करें, मालूम करें है कौन कौन सी बुराइयां हैं, कैसे उनकी इस्लाह हो, क्या करें, सब चीजें किताबों में लिखी हुई तरीके, लेकिन आदमी जमात तैयार हो जहां और काम दिन के किए जा रहे ये चीज ये भी क्या और फजाइल तबलीग तुम पढ़ो उसमें तफसील से ये मजबूत है, नंबर 3 से लेकर नंबर 7 तक की हदीस में अगर मौलाना ज़करिया का हदीस नंबर और 5वीं हदीस को खास तौर से पढ़ो, उसमें फरमाया गया खुलासा, आपने फरमाया कलमे तैयबा नफा को चाहता रहता है, अजाब बलाओं को मुसीबतों को दूर करता है और खैर को खींचने वाला होता है जब तक कि उसके हक में कमी नहीं की जाती, दावा के रात में पूछा उसके हक में कमी क्या है, तो मैं गुना खुल्लम खुल्ला किए जाए और रोक टोक में की जाए। अगर शेख अपने जमाने में लिखते हैं आज से 58 बरस पहले क्या गुनाहों की कोई हक उनके है, तो सब तो रेडियो का भी पता नहीं था, तो ना आर्मी का रेडियो रेडियो का पता नहीं था, टेलीविजन सांपों का बटारा नहीं नाम रखता है इसका, इसका तो नाम निशान भी नहीं था, फिर भी फरमाते अभी रोमा फरमाते क्या गुनाह को मिटाने की कोई मेहनत हो रही या उसकी तकलीफ की कोई मेहनत हो रही, जैसा होना चाहिए नहीं हो रही, जो काम हजार जगह हो अगर 10-5 जगह हो तो क्या उसके आज जो मसायल और परेशानियां हमारी नहीं चल रही है वो ये कि गुनाहों गुनाह फैलते हैं, गुनाहों से बचाने पर इसको रोक तो तफसील तौर पर इसके आक्रम तुम देख लो, और दावत दाई अगर उम्मत थानी नंबर अल्लाह उम्र कदम की निशाना है, इसीलिए अल्लाह ताला ने दावत हक को कायम किया था कि अच्छी बात है तुम्हें मेहनत होती रहे और बुरा जो से मिटाने की तभी कोशिश होती है, क्या करे इस आय की तरफ क्या नतीजा होगा तू कल हो गए ओ हम तो काम कर और जिसका है काम उसके तू अंजाम छो, अगर लेना काम हो कर भी न रब का काम छो, वक्त है जद्दोजहद का राहत हो आराम छो, क्या क्या गुनाह है, क्या क्या हर इलाके के अलग अलग गुनाह है, अब
انشاءاللہ خدا